प्रश्न संख्या 5 हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। कथन एक है कि मुद्रा के अवमूल्यन से आयात में वृद्धि हो सकती है। कथन दो है, मुद्रा अवमूल्यन के कारण किसी देश के उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बाजार में वृद्धि होती है। यह दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि मुद्रा के अवमूल्यन से आयात में नहीं बल्कि निर्यात में वृद्धि होती है, और मुद्रा अवमूल्यन के कारण किसी देश के उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट होती है, ना कि बढ़ोतरी होती है। तो हमारा जवाब है ऑप्शन विकल्प डी, ना तो एक और ना ही दो।